सो हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग ठीक ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं स्टार्ट करने वाला हूं एक न्यू सीरीज़ जिसका नाम है एलईडी डार्क किंगडम। और ये सीरीज़ बिल्कुल फ्लीट एसएमपी और हिमलैंड्स की तरह ही होने वाली है, लेकिन यार इसकी स्टोरी बिल्कुल डिफरेंट रहेगी। तो अगर आप इसको सपोर्ट करते हैं तो ये सीरीज़ मैं कंटिन्यू रखूँगा। इसको सपोर्ट करने के लिए सिर्फ आपको वीडियो को पूरा देख लेना है और हो सके तो लाइक कर देना, बस इतना सा ही करना है। तो आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट से ये सीरीज स्टार्ट करते हैं। सो हेलो गाइस, तो क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप लोग ठीक ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपनी एक न्यू सर्वाइवल सीरीज़। और इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं अपना एक प्यारा सा घर, और आर्मर वार्मर हम अगली वीडियो में बनाएंगे। तो एक काम करते हैं, फटाफट से अपनी हम मजदूरी पर लग जाते हैं, कुछ बेसिक टूल्स बना लेते हैं। और हाँ, अपने लिए घर के सामान के लिए, मतलब घर के लिए कुछ सामान इकट्ठा कर लेते हैं। यार मैं भी क्या बोल रहा हूँ, घर के लिए कुछ सामान इकट्ठा कर लेते हैं। और ये थोड़ा सा बोरिंग होगा तो इसकी मैं कुछ ही क्लिप्स दिखाने वाला हूँ। तो फटाफट से लग जाते हैं काम पर। तो गाइज, यहाँ पर मैंने सारा सामान इकट्ठा कर लिया है और यहाँ पर कुछ एरिया भी क्लीन कर दिया है। तो फटाफट से अब अपना घर बनाना स्टार्ट करते हैं। और हाँ, ये घर थोड़ा सा, मतलब थोड़ा बड़ा नहीं होने वाला है, छोटा सा होने वाला है। तो एक काम करते हैं, फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर इन्वेंट्री में मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर कुछ मैंने सामान लिया है, बाकी का सामान चेस्ट में रखा हुआ है। और एक सेकंड, ये तो भाई टूटने वाला है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर पहले यहाँ पर 5 ब्लॉक ऐसे करके तोड़ना है, और यहाँ पर 2 ब्लॉक ऐसे ले जाना है साइड से। यहाँ मैं ठीक कर रहा हूँ ना, हाँ ठीक कर रहा हूँ। तो एक ब्लॉक और फिर से यहाँ पर 4 ब्लॉक लेकर जाना है, और ऐसे ही हमको इधर भी 5 ब्लॉक खोदना है कुछ इस टाइप। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा स्ट्रक्चर तो रेडी है, अब हम इसमें भर देंगे कोबलस्टोन। तो इसमें मैं फटाफट से कोबलस्टोन भर देता हूँ। तो यहाँ पर कोबलस्टोन तो भर चुका है, अब हमको क्या करना है, यहाँ पर ऐसे करके 3 ब्लॉक के पिलर बना देने हैं सब कोनों पर। एक सेकंड मैं दिखाता हूँ आपको, 3 यहाँ पर और 1, अबे लग जा भाई, 2-3 यहाँ पर और ऐसे ही 3 यहाँ पर। ऐसे ही हमको चारों तरफ, मतलब एक एक कोने पे लगाते रहना है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे पिलर भी लग चुके हैं, और अब हमको क्या करना है, यहाँ पर बीच में हमको प्लैंक लगा देना है वुड के। तो यहाँ पर मैं प्लैंक ले लेता हूँ और यहाँ पर स्टार्ट करते हैं लगाना। और यहाँ पर हमारा रहेगा गेट, तो इसके लिए जगह छोड़ देते हैं थोड़ी सी यहाँ पर। अरे चलो कोई बात नहीं, वहाँ ऊपर भी लगेगा यहाँ। तो यहाँ पर हमारे प्लैंक्स भी लग चुके हैं, और अब हमको देखो क्या करना है, यहाँ पर लगाना है गेट। तो मैं यहाँ पर फटाफट से लगा देता हूँ, मैंने जगह छोड़ रखी है थोड़ी सी। तो ये वैसे ये ऐसे नहीं अच्छा लग रहा है, इसको अंदर से लगाते हैं, अगर टूट जाए भाई तो। इसको ऐसे लगाते हैं, अब सही लग रहा है थोड़ा सा, तो चलो कोई बात नहीं। और हाँ, यहाँ पर मैंने कुछ जगह छोड़ रखी है, क्योंकि यहाँ पर लगाना है मुझे ग्लास और स्टेयर्स भी लगानी है। तो यहाँ पर मैं फटाफट से ग्लास तो अभी चेस्ट में रखे हैं, तो स्टेयर्स ही लगा देते हैं यहाँ पर फटाफट से, और फिर ग्लास लाकर मैं लगा दूँगा बाद। अबे ये क्या हुआ, इसको तोड़ो जल्दी से। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा काम है, फटाफट से मिल करके मिलता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा घर तो बनकर रेडी है, ये छोटा सा प्यारा सा हाउस, लेकिन इसमें अभी कुछ और भी काम लगाना बाकी है, जैसे कि यहाँ पर लालटेन लगाना बाकी है। उसके लिए मुझे आयरन चाहिए होगा, तो वो हम बाद में लेकर आएंगे। यहाँ पर अभी रात हो रही है, तो यहाँ पर फटाक से सो जाते हैं। और हाँ, ये मैंने बना तो दिया, लेकिन मैं इसको दिखा भी रहा था आपको बनाते हुए, लेकिन यार वो जो क्लिप थी ना, वो मेरी डिलीट हो गई है। तो कोई बात नहीं, हम सोवा चलते हैं और दूसरी केव देखते हैं। मुझे आयरन चाहिए होगा, हमें कुछ लीफ चाहिए होगी, तो लीफ के लिए भी आयरन चाहिए होगा। ये जो ग्रास देख रहे हो ना, इसके यहाँ पर मुझे लीफ लगानी है। तो फटाफट से चलते हैं आयरन ढूंढने। यहाँ पर मैंने एक केव देखी तो थी, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही बड़ी है, वहाँ पर अगर गिरते। अबे 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 नहीं यार, मैं गया।
तो दोस्तों यहाँ पर मैंने सारा सामान तो उठा लिया है और अब हम यहाँ पर दोबारा नहीं खड़े होने वाले, क्योंकि अगर पता चला यहाँ पर हमारा बटन निटक जाते हैं यार, तो दोबारा इटका तो मैं फिर से गिर जाऊँगा। तो ढूंढते हैं यार कोई केव आसपास मिलती है। और यार भाई पता नहीं क्यों मेरा माइनक्राफ्ट लैग बहुत हो रहा है इस वर्ल्ड में, वैसे नहीं होता है लेकिन यार इस वर्ल्ड में बहुत लैग हो रहा है, पता नहीं क्यों यार ऐसा हो रहा है। तो एक काम करते हैं फटाफट से, अभी हम जो केव है ना वो ढूंढते हैं। एक सेकेंड, ये भी मुझे बहुत गहरी केव लग रही है लेकिन ज़्यादा गहरी है नहीं, तो इसमें हम जाकर आयरन ले लेते हैं और थोड़ा आराम से चलते हैं। यहाँ पर क्रीपर ना हो तो सही रहेगा, क्रीपर या स्केलेटन। ज़ोंबी तो कोई बात नहीं, ज़ोंबी से तो लड़ लेंगे। वैसे यहाँ पर मॉब तो है नहीं यार, लेकिन नीचे है क्या है मुझे दिख रहा है, शायद से वो मॉब ही है ना। नहीं यार वो मॉब नहीं है। और आयरन वगैरह यहाँ पर, आयरन तो मुझे नहीं दिख रहा है बिल्कुल भी, नहीं है यार यहाँ पर आयरन नहीं है। लेकिन एक बात नोटिस की आपने, या फिर मुझे ही लग रहा है सिर्फ, यहाँ पर अंधेरा नहीं है यार, जैसे कि केव में बिल्कुल अंधेरा होता है, टॉर्च लेके जाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर अंधेरा नहीं है। वैसे इसकी वजह से अंधेरा नहीं है, ये जो लगी हुई है ना ये लाइट मार रही है तो इसकी वजह से अंधेरा नहीं है, लेकिन फिर भी अंधेरा होना चाहिए था। एक सेकेंड, ये मुझे किसी तरह से केव तो नहीं लग रही है, केव ऐसी नहीं होती है यार। एक सेकेंड यार, नहीं ये केव तो नहीं है, ये मुझे माइनिंग लग रही है। एक सेकेंड, ये क्या था? अबे ये खून कहाँ से आया भाई यहाँ पर बहुत खून पड़ा हुआ है यार वहाँ पर, ये देखो पूरी पूरी खून की बूंदें पड़ी हुई हैं यहाँ से वहाँ तक की। ये पता नहीं कैसी है यार, एक पता नहीं क्या होगा, क्या कर रहे हैं भाई, चल कर देखें क्या चलो कोई नहीं यार, देखते हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खून की बूंदें पड़ी हुई हैं। एक सेकेंड भाई यहाँ पर, अरे नहीं यहाँ पर तो एक डेड बॉडी पड़ी हुई है यार, और यहाँ पर काफ़ी सारा खून पड़ा हुआ है। ये डेड बॉडी किसकी है यार? भाई एक सेकेंड, यहाँ पर साइन बोर्ड लगा है, इस पर क्या लिखा हुआ है? आई फेल्ड